सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ये है मेरे पास अमेज फिट की GTH वॉच। आज मैं आपको इसके ऊपर स्किन प्रोटेक्टर अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसके ऊपर इसकी स्किन पर स्किन प्रोटेक्टर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों स्मार्ट वॉच जो है आजकल काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं और बिना स्किन प्रोटेक्टर के दोस्तों हमारी वॉच पर स्क्रैच आ जाते हैं जो देखने में काफ़ी बुरे लगते हैं। तो आज मैं आपको इस वॉच पर जो मेरे पास है अमेज पिच की GTS, आज मैं आपको इसके ऊपर स्किन प्रोटेक्टर जो दोस्तों हम इसे ग्लास बोलते हैं उसे आपको इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने का दोस्तों हमें इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और कितनी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। तो आज मैं आपको ये सब आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो उसे वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। दोस्तों जो है वो बॉक्स जिसमें मैंने अमेजन से स्किन प्रोटेक्टर मंगाया है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। दोस्तों जिसका बिल है ये कितने का मंगाया है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा आगे। और दोस्तों इसके अंदर है ग्लास जो दोस्तों स्किन प्रोटेक्टर है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसे वॉच के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ। यह है मेरी वॉच, मैं आपको इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करने में दोस्तों क्या लोग आता है इस वॉच का और क्या क्या कितनी प्रोटेक्शन दोस्तों हमें इसके ऊपर देखने को मिलेगी। तो चलिए पहले मैं इसे अप्लाई इसे ओपन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो है वो स्किन प्रोटेक्टर जिसे हमें अपनी वॉच पर अप्लाई करना है। दोस्तों जो ग्लास नहीं है ये इस तरीके से फ्लेक्सीबल है, ये देखिए, क्योंकि दोस्तों जो वॉच है ये थोड़ी राउंडेड है चारों तरफ से, तो इसलिए ये फ्लेक्सीबल आ जाए। और दोस्तों जो है स्किन साफ करने का जैसे इससे पहले हमें तो अपनी वॉच की स्किन साफ करनी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको इस पे से इसे हटाना है इस तरीके से और वॉच पे अप्लाई करके इसे चिपका देना टेप की तरह से इसे। तो दोस्तों यही इस तरीके से आता है, अगर आप इसे ग्लास लगाओगे तो ग्लास पूरी तरीके से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों हमारी जो वॉच है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये थोड़ी राउंडेड है तो इसलिए इसके ऊपर दोस्तों ग्लास अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों मैं इस गार्ड को इस वॉच पे अप्लाई करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारी वॉच में क्या लोग आता है और क्या के और किस तरह प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैंने वो स्किन प्रोटेक्टर पर अप्लाई कर दिया है, ये देखिए देखिए दोस्तों पास से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये हल्का हल्का सा साइड से रह गया है क्योंकि दोस्तों ये जो है ये फ्लेक्सीबल है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप भी इसे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इसी तरीके से इसे अप्लाई करना पड़ेगा, आपको सिर्फ उस पर हटा के इस पर डायरेक्ट इसको साफ करके लगा देना है इस पर और इस तरीके से चाहते हुए चिपका देना है। बाकी दोस्तों इसमें कुछ और भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिक्कत आए इस पर इसे अप्लाई करने में, क्योंकि दोस्तों चूँकि ग्लास नहीं है, अगर ग्लास होता तो सिर्फ यहाँ तक आता यहाँ तक जी इतना हिस्सा जो है इस पर अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों ग्लास जो है वो राउंडेड नहीं आते। तो दोस्तों ये पिन्नी टाइप से है लेकिन काफ़ी मोटा है पिन्नी से, तो दोस्तों आपकी वॉच पर स्क्रैच नहीं आएंगे बिल्कुल भी। और वैसे दोस्तों इस वॉच में हमें गोरिल्ला 3 की प्रोटेक्शन भी मिलती है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप इस पर अप्लाई कर सकते हो जिससे आपकी वॉच पर फ्यूचर में कोई स्क्रैच ना आए। तो दोस्तों देखिए पिन्नी टाइप से है, देखिए मैंने इसे अप्लाई कर दिया है चारों तरफ से, ये देखिए आपको यहाँ से आप अच्छी तरीके से विजिबल हो रहा होगा, ये देखिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि इससे आपको कितनी प्रोटेक्शन मिल सकती है इस गार्ड से आपकी वॉच के ऊपर, जिससे कि आपकी वॉच पर दोस्तों बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएंगे। बाकी दोस्तों ये इतनी पावरफुल नहीं है कि अगर आपकी वॉच किसी से टकराती है तो ये आपकी वॉच के डिस्प्ले को बचा सके, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस पर ग्लास भी लगाओगे फिर भी आपकी वॉच पर अगर कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो भी आपकी वॉच बिल्कुल भी तो भी दोस्तों आपकी वॉच नहीं बच पाएगी। तो ये दोस्तों ज़्यादा महंगा नहीं है, इसकी रेट दोस्तों समथिंग 80-90 रुपये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो आपकी वॉच पर बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएंगे, आपकी वॉच एकदम स्क्रैच प्रूफ हो जाएगी। और दोस्तों इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दोस्तों इसका जो ये जो पूरा डायल है जो प्लास्टिक का होता है, तो आप सोचोगे अगर इस स्किन प्रोटेक्शन से ये डायल बच जाए तो डायल तो बचने से रहा, अगर आपको अपना डायल सेफ रखना है तो दोस्तों एक
इसका एडाप्टर आता है एडाप्टर टाइप से, जो पूरा एंगल सा होता है वो भी दोस्तों आपको अमेजन पर देखने को मिल जाएगा, जिसकी रेट समथिंग 600-700 रुपये है। दोस्तों आप उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर आप उसे यूज़ करोगे तो आपकी वॉच क्या है थोड़ी मोटी सी लगेगी, हैवी सी लगेगी, तो इसलिए दोस्तों मैंने उसे नहीं मंगाया, मैंने सिर्फ इसका गार्ड मंगाया है, जिससे दोस्तों मेरी स्किन है वो एकदम, इस वॉच की स्किन जो है दोस्तों एकदम से क्लियर सही रहेगी। और बाकी दोस्तों इसमें ज़्यादा कोई प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती, बस ये है कि आपकी जो वॉच है इस पर बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपनी वॉच पर ये स्किन प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हो, कैसे इसे अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों इसका खरीदने का लिंक भी मैंने नीचे बॉक्स में दे दिया है, तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो, इसे ऑर्डर करना चाहते हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आके डायरेक्ट उसे ऑर्डर कर सकते हो, जिससे आप अपनी वॉच के लिए एक स्किन प्रोटेक्टर मंगा सको जो कि दोस्तों आपकी वॉच के लिए काफ़ी अच्छा हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।